स्वागत है आप सभी का मदर डॉटर किचन पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल ही कुरकुरी जलेबी की रेसिपी। तो चलिए सभी को पसंद आने वाली जलेबी की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी, जिसके लिए एक पैन में हम रखेंगे 2 कप चीनी और 1 कप पानी। आप जितना भी चीनी लें उसका आधा पानी इस्तेमाल करें। तो उसके बाद इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे चाशनी में एक उबाल आ चुका है, तो एक बार इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारे चाशनी अच्छी तरीके से बॉईल हो रहा है, तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम आधा लेमन स्क्वीज कर देंगे, जिससे कि हमारे चाशनी में क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो हमारी चाशनी अब बनके बिल्कुल तैयार है, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो अब बनाते हैं जलेबी के लिए बैटर, जिसके लिए एक बाउल में हम रखेंगे मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर हमारे जलेबी को क्रिस्पी बनाने में बहुत हेल्प करेगा। साथ ही में हम इसमें रखेंगे खट्टी दही 1/2 कप। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक सेमी थिक बैटर तैयार करेंगे। ध्यान रखें, बैटर बनाते टाइम अब इसमें बिल्कुल ही ज़्यादा पानी ना रखें, क्योंकि अगर हमारा बैटर बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ही ज़्यादा पतला होगा तो हमारा जलेबी अच्छा नहीं बनेगा। तो लास्ट में हम इसमें डाल रहे केसरी फूड कलर 1 टीस्पून। तो यहाँ पे बैटर तैयार है। तो अब जलेबी को बनाने के लिए मैं ऐप इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरीके का पैकिंग बैग, आप चाहे तो कोई सा भी प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास में पाइपिंग बैग को डाल दिया है और एक स्पून की मदद से हम इस पाइपिंग बैग में आधा से ज़्यादा बैटर भर लेंगे। तो हमने यहाँ पे आधा से ज़्यादा बैटर भर लिया है। तो अब चलते हैं जलेबी बनाने। तो यहाँ पे एक पैन में हम लिया है तेल, आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को पहले अच्छी तरीके से गर्म हो जाने दें और उसके बाद वीडियो में दिखाए गए तरीके से जलेबी बनाएं। आप देख सकते हैं जलेबी बनाने के साथ ही ये फूलने लगा है, इसका मतलब हमारा तेल बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो एक बार में आपके पैन में जितनी जलेबी हो पाए आप उतना जलेबी इस पर बना सकते हैं। और लो से मीडियम के फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। ध्यान रखें आप इसे बिल्कुल ही हाई फ्लेम में फ्राई ना करें। तो एक साइड से 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई होने देंगे और इसके बाद इसे पलट के दूसरी साइड से भी इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जलेबी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे निकाल देंगे। और निकालने के साथ हम इसे डायरेक्टली डालेंगे हमारे बनाए हुए चाशनी में। मैंने अपने चाशनी में फिर से गर्म कर लिया था, जिससे कि सारी चाशनी जलेबी के अंदर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो पाए। और चाशनी में डालने के 20 से 30 सेकंड के बाद हम इसे निकाल देंगे। तो हमारी कुरकुरी जलेबी की रेसिपी यहाँ पर कम्प्लीट होती है। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही और रेसिपीज़ के लिए।